कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने के लिए बाजार और दुकानों को बंद रखने की घोषणा की गई थी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जगह जगह पर बाजार खुले रखे जा रहे हैं और लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी नहीं कर रहे। ऐसे में नैनवा प्रशासन ने एक दिन पहले ही सख्त कदम उठाते हुए निर्देश दिए कि यदि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हुई और लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका असर देखने को मिला नैनवा में और हकीकत जानी हमारे संवाददाता इंसाफ अली ने। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। ये है नैनवा उनारा चौराया। यहाँ पर कल सब्जी मंडी में बहुत भीड़ लगी हुई थी। प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए और पुलिस प्रशासन के आदेश पर तत्काल प्रभाव से 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। इतनी सख्ती बरती जा रही है कि आम जनता को कोरोना से सुरक्षा मिले। यहाँ पर खड़े हैं भाजपा के अध्यक्ष पाकिस्तान की व्यवस्था माँ को रहनी चाहिए, बाकी और लॉकडाउन की पालना होनी चाहिए और दूरियाँ जो है आप लोगों को दूरी बनाकर अपना जो निजी आवश्यकता की चीज़ है उन्हें ले लेना चाहिए। राजेंद्र जी जो शहर अध्यक्ष है भाजपा के वो बता रहे हैं कि दूरियाँ होना चाहिए। ये मतलब किराना व्यापार संघ से जुड़े हुए हैं, ये समाज सेवा कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल मित्तल। अनिल मित्तल से बताइए, आपकी दुकान को मतलब 2 दिन से मतलब जो काफ़ी मतलब भीड़ लगी हुई थी उस पर प्रशासन ने और आप लोगों ने जो कुछ किया है निर्णय इसमें क्या होना चाहिए? इसमें कल SDO साहब ने जो निर्णय लिया कि 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन रखा गया है, प्रशासन द्वारा ये उचित निर्णय है। प्रशासन ने ये निर्णय इसलिए लिया क्योंकि किराणों की दुकानों, सब्जी मंडियों एवं अन्य दुकानें जो इस लॉकडाउन के तहत नहीं आ रही थी वो भी खुली हुई मिली, तो इसलिए प्रशासन ने ठोस निर्णय लिया कि 2 दिन के लिए कंप्लीट लॉकडाउन रखा जाए। इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और आज जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि सब्जियों की दुकानें भी बंद करवाई जा रही है, तो कल प्रशासन से बात करके जिन सब्जी मंडी रिटेल जो बेच रहे हैं वो यहाँ पर बेच सकते हैं, ऐसी बात कल SDO साहब और SHO साहब से बात हुई थी ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। और जो भी सब्जी वाले हैं उनसे यही निवेदन किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क लगा कर रखें। धन्यवाद। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ताज़ा सब्जी आप बिकनी चाहिए, लेकिन सब्जियों के अंदर जिस प्रकार से मतलब यहाँ भीड़ लगी हुई थी इसको प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से लिया और लॉकडाउन का उल्लंघन बताया। इसी प्रकार से अब क्या होगा कल 2 दिन के बाद में जनता जी।